अब दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम दो ऐसे कॉइन यहां पे कवर करने वाले हैं, ये मीम टोकन होने वाले हैं, जहां पे आपको आने वाली कुछ दिन या आप कह सकते हो ये जो आने वाली बुल रैली है मैसिव फॉर्म दिखा सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने बॉन्क को देखा, बॉन्क ने यहां पे अच्छे खासे रिटर्न्स दिए, जिसने भी यहां पे जब सोलाना अपने ऑल टाइम लो में था इन्वेस्ट किया था, तो भाई यहां पे जो है वो अब की बात बताता हूँ सोलाना की ब्लॉकचेन के अंदर ये जो है कॉइन डेवलप है, और दूसरा जो है एक कॉइन वो यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम करता है, लेकिन दोस्तों उसके भी बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और ये दोनों ही कॉइन आपको कॉइनएक्स एक्सचेंज के अंदर मिल जाएंगे, तो अगर आपने कॉइनएक्स को डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली आप डाउनलोड करके अच्छे खासे प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो। चलो बातें बहुत हो गई, लेके चलता हूँ सबसे पहले आपको कॉइन मार्केट कैप के अंदर वो दो कॉइन कौन से हैं और क्या क्या प्रॉफिट आपको निकाल के दे सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉइन निकल के आ जाता है एनालॉस। अगर आप इसके नाम को ही देखोगे तो भाई यहाँ पे सोलाना का ही उल्टा नाम यहां पे रखा गया है। यहां पे जो एनालॉज है, यहां पे जो इसकी सप्लाई आप यहां पे देख सकते हो, एक बार 100 बिलियन टोकंस की यहां पे जो है उनकी सप्लाई है और 100% टोकन मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। अगर दोस्तों मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो है इसने ऑल टाइम हाई मार्केट के अंदर लगाया था वो है यहां पे आपका 0.002169 और अभी ये चल रहा है यहाँ पे आपका 0.0003 के आसपास, और यहाँ पे ये अपने ऑल टाइम हाई से 86% डाउन है। इसको लॉन्च हुए अभी जुम्मा एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 22 दिसंबर को यहाँ पे लॉन्च हुआ है, और यहाँ पे इसने 22 दिसंबर के, अगर मैं यहाँ पे एक महीने के डेटा की बात करता हूँ, चलो 7 दिन के डेटा की बात करता हूँ, तो 7 दिन में भी यहाँ पे 34% डाउन है, और यहाँ पर से जो है वो इसने अपना रिटर्न दिया था अराउंड 200% का। लेकिन दोस्तों अभी अगर ये मीम कॉइन है सोलाना की ब्लॉकचेन के अंदर बना है, तो भाई यहाँ पे इसको बाय करने के लिए अभी आपको एक राइट टाइम हो सकता है। अभी मैं कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन दोस्तों सोलाना की ब्लॉकचेन में है, सोलाना की ब्लॉकचेन जैसे ही यहां पे दोबारा से पंप करती है, बेसिकली अभी क्या है सोलाना फिर से $100 के नीचे आ गया है, यहां पे आप देख सकते हो $100 के आसपास जो है सोलाना ट्रेड कर रहा है, और मैंने इससे अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी बुक किए हैं, जो प्रॉफिट्स मैंने आपको कॉइन एक्सचेंज के थ्रू अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर किए थे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं अगर इनकी वेबसाइट की बात करूं तो भाई यहां पे बॉन्ग मतलब रोते हुए दिखाया है, बॉन्ग की शक्ल डाल के, और नीचे सोलाना की जो है घंटी यहां पे लगाई हुई है, और यहाँ पे जो हमारा प्यारा डॉज कॉइन है उसके ऊपर एक मीम तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसा डाला गया है, और पंप एंड डंप का गेम है, साफ साफ यहाँ पे बोला है रोड मैप क्या है, पम 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 डम पम डम पम डम पम डम, और यहाँ पे देखो FTX क्रैश के बाद यहाँ पे जो है वो क्या क्या रोड मैप में बताया हुआ है, बेसिकली कोई काम का रोड मैप है नहीं। यहाँ पे देखो FTX क्रैश हुआ, साथ ही साथ जो है वो बॉन्क एयर ड्रॉप आया, G2 एयर ड्रॉप आया, एनालॉस लॉन्च हुआ, अब यहाँ पे देखो FTX लिस्टिंग इन प्रोग्रेस, FTX भी जो है वो लिस्ट होने वाला है मार्केट के अंदर, और यहाँ पे टोटल ऑफ मार्केट कैपिटल साइज इनका इतना है, इतना बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। टोकनॉमिक्स की अगर बात करो, लिक्विडिटी 75% है और 5% एयर ड्रॉप में रखा गया है, 20% मार्केटिंग टीम के लिए है। और दोस्तों अभी भी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप इसको ऑल टाइम लो के अंदर जब बाय करते हो तो डिसेंट आप जो है वो 20-30% का प्रॉफिट निकाल के तो चले जाओगे, लेकिन अगर ये पंप करता है बॉम्ब की तरह डेफिनेटली आपको जो है वो रॉकेट कर देगा, और आपके जो है वो $100 की इन्वेस्टमेंट $1000 जब बना देगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे। अब बात करते हैं कौन कौन से डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखो आपको जो रेडियम है इनकी खुद की जो है वो स्वैपिंग करने वाली एक टेक्नोलॉजी है, आप ये कह सकते हो वेबसाइट है जहाँ पे जो है वो जैसे पैनकेक स्वैप है, स्वैप करते हो जो आप टोकन, या जो है वो यूनी स्वैप है, वैसे ही जो है वो इनका रेडियम है जहाँ पर से आप सोल टोकन को स्वैप करवा सकते हो। कूकॉइन बीम में भी जो है वो अवेलेबल है, ओरेका, एमएक्स, बिटगेट और यहाँ पे कॉइनएक्स जैसे एक्सचेंज के अंदर भी यहाँ पे लिस्टेड है। तो भाई यहाँ पर से जो है वो अच्छे खासी अपॉर्चुनिटी के साथ आप जो है वो इनको बाय कर सकते हो। अब जो सेकंड नंबर का कॉइन हमारा निकल के आता है उसका नाम है यहाँ पे फ्रेन कॉइन। अब देखो फ्रेन कॉइन की अगर मैं बात करूँ, ये प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम करता है, और मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूँ तो ये भी ऑल टाइम हाई में ही ट्रेड कर रहा है, आप इसको सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना जब ये लॉन्च हुआ था इसने पंप दिखाया, फिर डंप आया, फिर पंप दिखाया, फिर डंप आया, फिर पंप दिखाया, फिर डंप आया, कुछ इस तरह का जो है वो यहाँ पे जो है वो चलते रह रहा है। अब ये थोड़ी सी आपको डिप देखने को मिलेगी तो आप यहाँ पे से बाय कर सकते हो। यहाँ पे टोकन का प्राइस है 0.00001147 के आसपास, यहाँ पे 394 बिलियन टोकन मार्केट के अंदर है, और यहाँ पे अभी सप्लाई के बारे में बात करूँ कितनी करंटली सप्लाई मार्केट के अंदर उतरी है वो अभी कुछ भी पता नहीं है। और मैं अगर इनकी वेबसाइट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम करता है, अगर इसके पास भी GPU है तो उसके थ्रू आप जो है वो माइनिंग कर सकते हो। और मजे की बात यह है सिर्फ और सिर्फ अभी आपको कॉइनएक्स एक्सचेंज के अंदर ये देखने के मिलेगा, कॉइनएक्स एक्सचेंज के अंदर देखने के मिल रहा है, तो भाई यहाँ पे जब ये और मार्केट प्लेस के अंदर लिस्ट होता है, मान लो यहाँ पे जो है वो बाइनेंस के अंदर लिस्ट होता है, मान लो यहाँ पे जो है वो आपका
कॉइन के अंदर लिस्ट होता है या जो है वो कोई स्वैपिंग करवाने का ऑप्शन आप लोग लेके आ जाते हैं तो डेफिनेटली जो है वो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स यहाँ पे दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी वेबसाइट की, तो यहाँ पे पेपे की सकल यहाँ पे लगाई गई है। फ्रेंड कॉइन इज अ क्रिप्टोकरेंसी फॉर द फ्रेंड्स, साथ ही साथ जो है वो बोलते हैं आज फास्टर मोर स्केलेबल ओपन सोर्स पेयर टू पेयर डिजिटल करेंसी, जैसे यहाँ पे काम करता है आपका बिटकॉइन तो उसी तरीके से काम करता है। फेवर्ड बाय एपीयू एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड, ठीक है यहाँ पे लिखा है व्हाट इज फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स के बारे में पढ़ सकते हो। यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम करता है, नो प्राइवेट पब्लिक फाउंडर वगैरह वगैरह सब जो नॉर्मल क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो जीपीयू के थ्रू माइन होती हैं यहाँ पे सब वही चीज इस्तेमाल करी गई है। साथ ही साथ बात करते हैं फीचर ऑफ फ्रेंड कॉइन, यहाँ पे बताया गया है कि भाई मेक फ्रेंड, साथ ही साथ आप जो है वो कार्पोव एल्गोरिथम के अंदर माइन कर सकते हो, जिसको आप रेवन कॉइन में जो एल्गोरिथम के अंदर रेवन कॉइन माइन होता है तो भाई उसी एल्गोरिथम के अंदर जो है वो आप इसको भी माइन कर सकते हो। साथ ही साथ जो है वो कोई भी ऐसी मशीन से माइन नहीं होता है, नॉर्मल आपके पास जीपीयू है तो माइन कर सकते हो, आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो माइन कर सकते हो। फास्टर देन बिटकॉइन यहाँ पे बोला 20 टाइम फास्टर देन बिटकॉइन है, और फॉरएवर फ्रेंड का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे इनकी ब्लॉकचेन को कोई भी यहाँ पे हैक नहीं कर सकता है, इनकी सिक्योरिटी बेसिकली जब माइनिंग करते हो ना तो माइनिंग में जितने ज़्यादा नेटवर्क या जितने ज़्यादा ग्राफिक कार्ड या जितना ज़्यादा जो है वो माइनिंग करने वाले ग्राफिक कार्ड आ जाते हैं ना तो हैकर्स को जो है वो यहाँ पे माइन करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स के अंदर जाके जो है वो कॉइन की ब्लॉकचेन को माइन हैक करना पड़ता है। लेकिन वही अगर स्टेकिंग की बात करो, स्टेकिंग में यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट स्टेक है तो भाई उस ब्लॉकचेन को डायरेक्टली वैलिडेटर्स को ईजी तरीके से हैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं माइनिंग की बात करूँ ये कम होते हैं, मतलब बुल रन जब आता है तो माइनिंग ग्राफिक कार्ड जो है वो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉय होते हैं और यहाँ पे जैसे बेयर मार्केट आते हैं तो कम होते हैं। तो ऐसा क्या होता है ना, तो हैकर्स को यहाँ पे माइन करने के लिए, मतलब अगर आप क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हो तो उस केस के अंदर जो माइनिंग वाली ब्लॉकचेन है वो बहुत कम हैक होती हैं। आप ये कह सकते हो यहाँ पे बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इथेरियम की जो पहले ब्लॉकचेन थी और जो अब आई है इथेरियम की ब्लॉकचेन, जो नई इथेरियम की ब्लॉकचेन है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले वाली जो है वो जितने ज़्यादा अगर उसके अंदर और भी ज़्यादा हार्डवेयर जो है वो डिप्लॉय होते तो यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा सिक्योर बनते जाती। वहीं अगर मैं आज की बात करूँ तो भाई यहाँ पर अभी भी सिक्योर है, अगर जिसमें जब सबसे ज़्यादा वैलिडेटर्स आ जाएंगे तो वही सेम काम करेंगे। लेकिन अभी माइनिंग के अगर प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करूँ तो भाई यहाँ पे माइनिंग की ब्लॉकचेन जो है वो ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा वो रहती है, सिक्योर रहती है। यहाँ पे देखो 32 सेकंड जो है वो यहाँ पे है एक ब्लॉक को माइन करने का, साथ ही साथ स्केलेबल ब्लॉकचेन है, साथ ही साथ जो है वो आपको एक ब्लॉक के अंदर कितने 10K फ्रेंड कॉइन्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और मैं बात करूँ, मैं तो इसको एज अ मीम कॉइन के ऊपर ही देखता हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे है तो ठीक है जो नॉर्मल सा ही सारे प्रोजेक्ट लेके आते हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं, बट कोई ज़्यादा खास मेरे को यहाँ पे अभी तक लगा नहीं। तो आप जो है वो इन दो कॉइन के अंदर नज़र बता सकते हो, एक है यहाँ पे एनालॉस जो यहाँ पे खुद सोलाना की ब्लॉकचेन को यूज़ करता है और अच्छे खासे पंप्स यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में दिखा सकता है। बाकी अगर आपको पंप एंड डंप के बारे में जानना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पे डेफिनेटली ये सब चीज़ तो आपको नहीं बताता हूँ कि भाई आप बाय करो ये लॉस करो, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ। मैं आप लोगों को ये बोल दूंगा कि भाई अभी जाके आप बाय कर लो और जो है उसको बुल मार्केट में सेल कर देना। तो उस पे इसमें क्या हो जाता है ना कि भाई यहाँ पे आपका पैसा लग रहा है बहुत, मैं और क्रिएटर्स की तरह नहीं हूँ कि भाई यहाँ पे आपका पैसा डूब गया तो भाई उसको पीछे से देखने वाला नहीं है। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि भाई कॉइन है, आप जो है ऑल टाइम लो में बाय करो और यहाँ पे ऑल टाइम हाई के अंदर सेल करो। इजी सी बात है, साफ साफ लोगों को दिखता है कि भाई यहाँ पे अभी 86% ये डाउन है पूरी मार्केट में, तो ये बाइंग करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जैसे ही यहाँ पे जो है वो बढ़ेगा तो आपके जो है अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी देके जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपका जो है काम या करना नहीं, बाकी मैंने भी जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है कॉइनएक्स एक्सचेंज से। मैं सिंपली जो है अपने आपको एसेट्स दिखा देता हूँ, स्पॉट्स के अंदर आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास खुद $121 के यहाँ पे पड़े हुए हैं एनालॉस कॉइन। बाकी जो मेरी होल्डिंग आप देख सकते हो वॉल स्ट्रीट मीम कॉइन, इसके ऊपर वीडियो बनाई है, बॉन्ग के मैंने ऊपर वीडियो बनाई, कीशू इनू जो है वो यहाँ पे $20 का जो है AI डॉज रखा है। बाकी पोर्टफोलियो को मैं ऊपर नीचे करते रहता हूँ, जहाँ पे अच्छे खासे मेरे को प्रॉफिट दिखते हैं मैं बुक करते रहता हूँ और जो है वो यहाँ पे अपने मनी को यहाँ पे सर्कुलेट करते रहता हूँ। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है ये कॉइन के क्या फ्यूचर रहने वाला है, मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर करेगा ताकि वो भी समझ पाए कि भाई यहाँ पे मीम मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में एंड करते हैं, धन्यवाद।